देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां जातिवाद का जहर नागरिकों में फैलाकर हिंदू मुस्लिम दंगों को दावत दे रहे हैं और कई नागरिक उनके बातों में आकर उनके विवाद करने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के माहिम दरगाह में मुस्लिम कौम में कई नामी हस्तियों के साथ आकर राष्ट्रीय एकता एवं यंग जनरेशन के नशा मुक्ति दुआ की। मुस्लिम कौम के पीर माने जाने वाले मुइन मियां, मुंबई कांग्रेस बातुक संगठना के अध्यक्ष अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई, माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल जी और मुस्लिम कौम के कई नामी हस्तियां मुंबई की मशहूर दरगाह पर मौजूद थे। जहाँ पूरे भारत भर में आज मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू मुसलमान में दंगे फसाद हो रहे हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ हिंदू मुसलमान रिलीजियस मुद्दे लेकर यहाँ पे झगड़े लगा रही है आप साथ में, वहीं पे हमारे साथ आज मौजूद है जो जिनका पूरे मुंबई में नहीं बल्कि देश भर में जिनको बहुत प्रेस्टीज इंसान कहा जा सकता है मोहिन मियां, उनसे हम पूछते हैं कि आज इन्होंने बहुत अच्छी बात कही इनके मीटिंग में कि जहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज, किसी ने पूछा कि सर ये पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल इश्यूज आप बाजू में रखिए, पहले हम देश की जनता में जो नशा जो चल रहा है, नशा मुक्ति केंद्र बहुत सारे हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, तो पहले उस मुद्दे को हम लोग देखें और उसके बारे में कुछ सोचे। तो आइए डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं कि उनका उसके बारे में क्या कहना है। आज आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल इश्यूज बाजू में पहले रहने दो, आज यहाँ हम माहिम दरगाह में आए हैं तो माहिम शरीफ से कुछ दुआ करते हैं कि जो हमारे बच्चे गलत लाइन पे जा रहे हैं तो उनको सही लाइन पे लाया जाए, तो उसके लिए आप क्या दुआ करते हैं? हमारे मुल्क हिंदुस्तान का फ्यूचर मुस्तकबिल हमारे नौजवान हैं और हर कौम का हर मुल्क का फ्यूचर मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं। आज बड़ी तादाद में हमारे नौजवान नशाखोरी में मुब्तला हैं, नशा फरोशी में मुब्तला हैं और हम इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, बेदारी आना चाहिए और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ, नशा फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाई होनी चाहिए और यही पैगाम इन औलियाए कामलीन का रहा है, इन बुजुर्गान दीन का रहा है। हम हुजूर मखदूम साहब की बारगाह करम में बैठे हुए हैं, इस दर से भी हम यही पैगाम देते हैं कि समाज में जिस तरीके से बिगाड़ पैदा होता जा रहा है नशा के ज़रिए, उसको सबको हम सारे हिंदुस्तानियों को मिलकर उस नशा फरोशी के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ मैदान अमल में आना चाहिए। हमारे जो मुंबई के नवनियुक्त कमिश्नर साहब है उनसे आप मिलने वाले हैं, तो उनसे आप किस बारे में मिलने वाले हो, उनसे क्या बातचीत होने वाली है, क्या इसी नशा मुक्ति के बारे में आप बातचीत करने वाले हो या कुछ और मुद्दे हैं? हम अपने पुलिस कमिश्नर साहब जो बहुत ही साफ़ सुथरी छवि के आदमी हैं और हर छोटा बड़ा उनका कसीदा पड़ रहा है इस वक्त, हम अपने कमिश्नर को माहिम शरीफ दरगाह मदउ करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं और दरगाह शरीफ के ज़रिए, दरगाह शरीफ के सहन के ज़रिए हम नशा मुखालिफ तहरीक का फिर से आगाज़ करेंगे। आज ये जो बातचीत हुई तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि दरगाह की तरफ से या कौन सी मदद होने वाली है या कौन से आगे अच्छे काम किए जाने वाले हैं? दरगाह की तरफ से ये ऑलरेडी मुहिम चालू हो चुकी है सरपरस्ती में मोइन हजरत मोइन मियाँ के, और हमारे साथ में यहाँ के एमएलए भी है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि असेंबली में ऐसा बिल पास कराए कि जो ये धंधा करता है उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई करी जाए और जिसमें 302 का उसको कलम लगना चाहिए। और दूसरा, यहाँ से दरगाह शरीफ तो ऑलरेडी ड्रग का काम चालू करिए उनको रोकने का जो ड्रग्स ले रहे, प्लस उनका रिहैप सेंटर भी चालू है और इंशाल्लाह इसको और आगे तरफ से लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सर। तो आज हमारे साथ और एक ऐसे शख्स हैं जो अपने ट्रॉम्बे एरिया में
ट्रॉम्बे एरिया में बहुत ही उनका नाम है, एक्टिव समाज सेवक उनको कहा जाता है, तो उनको हम पूछेंगे कि सर आप किस तरह से मतलब इस बातचीत में आप शरीक हुए, तो आपको भी आपके जहन में भी क्या क्या बातें आई कि आप अपने एरिया में किस तरह से इस इन चीज़ों को इम्पोज करेंगे। नहीं, हमारे इधर पे तो ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी है। हमारे बाजू में गोंडी एरिया है, उधर से लेके आके पीते नशा करते, तो उसके आगे भी मुहिम से हमने दरखास्त की कि हमारे एरिया में आओ और गोंडी में जाके थोड़ा उन बच्चों को समझाए, उनके माँ बाप को समझाए। और सोहेल भाई का भी बहुत यह है कि जो बच्चे लोग नशा करते हैं, जो आदि हैं, उनको छुड़ाने के लिए रिहैब सेंटर खोलने का इन्होंने बोला है, तो उसके लिए इनके वो बारे में मीटिंग करने के लिए इधर आए थे। जी, आपने देखा कि यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बहुत चीज़ें बोली जाती है, लेकिन आज जो एक मीटिंग हुई यहाँ पे दरगाह में मीटिंग हुई, और कहा जाता है कि दरगाह में कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी एक्टिवली इस समाज में आने वाली है, कमिश्नर साहब से मीटिंग होने वाली है, तो आइए आज इसके आगे हमें एक अच्छा समाज देखने को मिलेगा और सब भाईचारा देखने को मिलेगा। कैमरामैन अजय के साथ गणंजय राठे, मुंबई।